ट्रिक से याद करना है। कालक्रम से अगर आप याद करें तो संस्कृत आचार्यों ने जो काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति रखी तो वह हमें 6 संप्रदाय वहां माने गए जिनमें अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग काव्यांग को महत्वपूर्ण माना गया, काव्य की आत्मा माना गया वही है। तो देखे ट्रिक क्या है, भरत सर की रीति से नियुक्ति उचित है, यह एक शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए यहां कौन सा संप्रदाय आ जाता है, पहला देखिए रस संप्रदाय, पहला कौन सा है रस संप्रदाय, रस है यह यहां रखिएगा। फिर आता है अपने पास कौन सा र, अंत में आया कौन सा र, आया अलंकार में र, तो यहां पर आया कौन सा अलंकार संप्रदाय, यह दूसरा संप्रदाय र से याद रखिए। फिर तीसरे की अगर हम बात करें तो फिर आया तीसरे नंबर पर रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय नी से याद रखिएगा, नी से आया कौन सा ध्वनि संप्रदाय, ती से याद रखिए वक्रोक्ति संप्रदाय, और यहां उचित से आपको याद रह जाएगा औचित्य संप्रदाय। कितने संप्रदाय हो गए अपने पास, 6। तो संस्कृत आचार्यों ने जो काव्यांगों का विवेचन किया उसमें पहले 6 संप्रदायों का बड़ा महत्व है। देखिए अब रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है किसको, भरत मुनि को। यहां पर ध्यान रखिए किसका नाम आता है, आचार्य भरत मुनि का। इनका समय कौन सा माना जाता है, पहली से तीसरी शताब्दी माना जाता है, पहली से तीसरी शताब्दी माना जाता है किसका समय, भरत मुनि का। तो पहला नाम आया, पहला है तो पहला यहां पर आए। देखिए दूसरा आता है कौन सा, अलंकार संप्रदाय, और अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, आचार्य भाम को माना जाता है। किसको माना जाता है, आचार्य भाम को माना जाता है, और आचार्य भाम की जो सती मानी जाती है, शताब्दी मानी जाती है, वह 6वीं शताब्दी मानी जाती है। कौन सी शताब्दी मानी जाती है, 6ठी शताब्दी मानी जाती है। फिर आता है रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय ये यहां पर दूसरा, ये तीसरा। रीति संप्रदाय में नाम आता है आचार्य वामन का, और आचार्य वामन का समय जो माना जाता है वह कौन से शताब्दी माना जाता है, 8वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सा समय, 8वीं शताब्दी। ध्वनि संप्रदाय की बात करें तो नाम आता है नंबर 4, और यह नाम आता है आचार्य आनंदवर्धन, इनका समय माना जाता है 9वीं शताब्दी। फिर आचार्य कुंतक 5वें नंबर पर आ जाते हैं, इनका नाम है आचार्य कुंतक, इनका समय माना जाता है 10वीं शताब्दी, इनका समय कौन सा माना जाता है, 10वीं शताब्दी। और औचित्य संप्रदाय आचार्य ये 6ठे नंबर पर आते हैं, यहां नाम है आचार्य क्षेमेंद्र, और इनका समय माना जाता है 11वीं शताब्दी। ठीक, इनका समय कौन सा माना जाता है, 11वीं शताब्दी। तो देखिए काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति किसकी देन है, काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति संस्कृत आचार्यों की देन है। काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति किसकी देन है, संस्कृत आचार्यों की देन है। अब भरत मुनि काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य, संस्कृत में, संस्कृत में काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, भरत मुनि, और भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, नाट्य शास्त्र, यहां पर याद रखिए भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी, नाट्य शास्त्र। आचार्य भाम की प्रसिद्ध रचना कौन सी, काव्यालंकार, कौन सी है, काव्यालंकार, यहां पर आता है। फिर नाम आता है रीति संप्रदाय, और रीति संप्रदाय की अगर हम बात करें आचार्य वामन की रचना कौन सी है, देखिए यह समय यहां पर 8वीं शताब्दी, और इनकी जो रचना है वह है काव्यालंकार,
सूत्र व्रति यहां पर आता है। ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन इनकी रचना है ध्वनियालोक। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक और इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम। और औचित्य आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा औचित्य विचार चर्चा। तो ध्यान रखिए पहला जो हमारे पास आया वो रस संप्रदाय है, यहां से स से याद रखिएगा। दूसरा र रस का अंतिम स रस ये र हो गया, यहां पर अलंकार र हो जाएगा, फिर यहां रीति हो जाएगा, फिर यहां ध्वनि, फिर यहां वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय। तो इस ट्रिक से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये वो संस्कृत आचार्य थे जिनको आधार बनाकर हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने काव्यांगों का विवेचन किया।